SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने ईडी के समन का जवाब भेजकर कहा कि मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार हूं, लेकिन ये पिछले समन की तरह गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि ईडी का समन राजनीति से प्रेरित है, पिछले की तरह ये समन भी गैर कानूनी है, इसलिए समन वापस लिया जाए। मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बता दी कि वे बुधवार को 10 दिन की विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम के लिए अज्ञात स्थान पर चले गए। अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल को मंगलवार को विपश्यना पाठ्यक्रम के लिए रवाना होना था, लेकिन INDIA गठबंधन की बैठक के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। वे पहले से तय ध्यान पाठ्यक्रम के लिए बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे निकल गए। इधर पार्टी के वकील ईडी के नोटिस का अध्ययन कर रहे हैं और वे उपयुक्त जवाब देंगे। दिल्ली के अधिकारी भले ही अज्ञात स्थान पर चले जाने की बात कर रहे हों, लेकिन ये साफ है कि केजरीवाल बुधवार को पंजाब के होशियारपुर से 12 किलोमीटर दूर गांव अनंतगढ़ स्थित विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में साधना के लिए पहुंच गए हैं। केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दिल्ली से चार्टर्ड विमान से शाम लगभग 4 बजे जालंधर स्थित आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से दोनों नेता हेलीकॉप्टर से विपश्यना मेडिटेशन सेंटर के निकट स्थित चौहाल के लिए रवाना हुए। मान चौहाल में ही रुक गए, जहां वे रात्रि विश्राम किया। उन्होंने इसके बाद अरविंद केजरीवाल विपश्यना सेंटर पहुंच गए, जहां पर वे 10 दिन तक रहने वाले हैं। बता दें कि इस दौरान किसी से अरविंद केजरीवाल नहीं मिलेंगे। पहाड़ियों की गोद में बसी विपश्यना सेंटर के इर्द गिर्द सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। SP और DSP स्तर के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखेंगे। बैरिकेड लगा दिए गए हैं। गाँव के लोगों के पहचान पत्र देख कर आने जाने की व्यवस्था की गई है। गाँव के सरपंच रावल सिंह ने बताया कि उन्हें मंगलवार को ही केजरीवाल के आने की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने मजदूरों को बुलाकर मेडिटेशन सेंटर के आसपास सफाई करवाई। मालूम हो कि ईडी ने सोमवार को केजरीवाल को पूछताछ के लिए नया समन भी जारी किया था। इससे पहले 2 नवंबर को तलब किया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के चलते ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। ऐसे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में बंद हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।